टू मेक मैथ इजी सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल मैथ्स बाय प्रदीप सोनी एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट मैथ वीडियो विद शॉर्ट ट्रिक्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऑफ इक्वेशन, इस क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल इजी मेथड से। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल दे रखा है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब देखो, आप यहाँ पर दो वैल्यू देख रहे हो। मान लो सपोज दैट फर्स्ट वैल्यू को आप ए मान लेते हो और सेकेंड वैल्यू को आप बी मान लेते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू एक तो आ जाएगी जीरो, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस टू इंटू थ्री। तो इजीली आप समझ सकते हो। अगर आप शॉर्ट मेथड को समझना चाहे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू एक तो जीरो आ जाएगी, एक आ जाएगी प्लस माइनस रूट सिक्स। यहाँ पर तो अलग अलग वैल्यू देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सभी वैल्यू जो है सेम है। जैसे टू है, टू है, टू है, टू है, पहला प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस। और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसमें थ्री 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 है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये कंडीशन होगी, या तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक आंसर तो ये आ जाएगा, या एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट सिक्स टू इंटू थ्री। ये इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। और ये आया कैसे, इसको हम इजिली समझते हैं। मैंने इजी मेथड से आपको बता दिया, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम समझ सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस रूट ए बी। ओके, बिकॉज ए की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू थ्री है। अब इसी वे में क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल से। जैसे मान लो सपोज दैट इसी वे में हम लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल है एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। देखिए, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहां पर जो एलसीएम आपके पास आता है वो आता है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है एक्स प्लस ए को एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड में जो एलसीएम हमारे पास आता है वो आ जाता है एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी। फिर एक्स माइनस बी को एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस बी को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स बी। ये फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कितनी वैल्यू कैंसिल होती है हमारे सामने। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस टू एक्स ए अपॉन में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से ये वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स बी अपॉन में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कितनी वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो रही है, इसको हम इजीली समझते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर देखो टू एक्स ए प्लस टू एक्स ए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू एक्स ए प्लस टू एक्स ए इधर आ जाएगा फोर एक्स ए अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस टू एक्स बी, माइनस टू एक्स बी माइनस फोर एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इजीली आप देख सकते हो यहाँ पर 4x से 4x कैंसिल तो हो सकता है, लेकिन अगर आप x को दोनों साइड से कैंसिल करते हो तो x बराबर 0 इसका एक आंसर होगा। लेकिन आपके इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x a को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और माइनस x b को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। अब देखो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है, प्लस एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल जीरो। अब देखिए दोनों में से कॉमन एक्स आ जाता है तो ये आ जाता है ए, एक अंदर मल्टीप्लाई करते थे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इसी तरह से इसमें से एक्स कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इक्वल जीरो। तो एक तो एक्स इक्वल जीरो आ जाता है आपके पास फर्स्ट वैल्यू, तो एक्स इक्वल जीरो आपके पास आ जाता है। सेकेंड वैल्यू में देखिए आप आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बराबर जीरो। मैं फोकस करता हूँ एक्स स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक साइड में रखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके प्लस की हो जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। इजीली देखिए आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी बच गया, इसमें से ए बी कॉमन तो यहाँ पर b प्लस ए बच गया। अब देखिए b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचता है x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो x इक्वल आ जाता है प्लस माइनस रूट ए बी, और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है b की वैल्यू 3 है, तो हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 6। तो समझता हूँ कि ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटेल से भी, और इजी मेथड हमने समझ लिया है ऐसे क्वेश्चन का आंसर x इक्वल जीरो या x इक्वल रूट ए बी होगा प्लस माइनस रूट ए बी। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर एक तो x बराबर जीरो और एक x बराबर प्लस माइनस रूट सिक्स, एक तो x बराबर जीरो और एक x बराबर प्लस माइनस रूट सिक्स होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते आगे बढ़ते रहे। थैंक्स।